आई हैव मी आर्ग्यूवली द बेस्ट फास्ट बोलर न्यू बॉल बोलर इन दर्ल्ड ना इन फॉर्मैट्स आई एम टन अदर दैन शाहीन शाह आफीदी शाहीन बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए पहले तो बताएं पहले तो ईद मुबारक अभी तक ईद चल रही है हाँ बिल्कुल 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 वो चलती रहती पूरा हफ्ता हम ईद मनाते हैं ये बताएं कि ईद कैसी थी कंसिडरिंग शादी के बाद वाली ईद ईदी कितनी दी आपने अपनी वाइफ को ये भी बताएं और क्या किया कैसे सेलिब्रेट किया नहीं अच्छा अच्छा रहा घर गया था अम्मी अबू से मिलने काफ़ी टाइम बाद ही टाइम मिला था कि मतलब ईद स्पेंड करें फैमिली के साथ भाइयों के साथ नमाज़ के बाद टाइम ही नहीं मिला घर आने के लिए क्योंकि बाहर लोग इतने थे तो उनसे मुलाकात हुई और काफ़ी टाइम बाद क्योंकि गया था तो देखा भी नहीं था आ, किसी को और आ, ये ऐसी ईद बेगम को अभी तक ईदी नहीं, नहीं क्योंकि मैं कराची गया ही नहीं तो सी बात है ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है वैसे आजकल नहीं असल में मेरे सारे अकाउंट खराब हो गए अच्छा 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 यू नो ये कैसा टाइम है एक महीना बड़ा अच्छा रमज़ान का गुजरा ईद का इट्स अ टाइम ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एज वेल इंसान अपनी जर्नी को देखता है अपने सफर को देखता है जब आप अपने सफर को देखते हो जिस तरह से आपने शुरुआत की एक टाइम पे यू नो अंडर 15 के ट्रायल्स क्रिकेट किट तक नहीं थी जब वो एक सफर देखते हो रिफ्लेक्ट करते हो अपने सफ़र को तो कैसे देखते हो कि कैसा आपकी आपकी जर्नी कैसी रही एंड है यू आर नाउ नाउप्स लाइक आई द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ नहीं देखिए अंडर सिक्सटीन से स्टार्ट किया था मुझे अभी भी याद है मेरे भाई हैं सन्दल अफरीदी उसको मैंने उन्होंने मुझे कहा था कि यार ट्रायल के लिए जाना है ऑनेस्टली मैंने उनको कहा था कि यार मैं क्या करूँगा इतने लोग आते हैं तो मैं ट्रायल में मुझे कौन लेगा सिर्फ दो बॉलों पे ही उस टाइम सेलेक्ट हुआ था तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो कल वाला दिन था आज वाला दिन ऐसे अभी भी वो दिन याद है इतनी जल्दी लाइव गुजर रही है क्या दो बॉल्स थी आपने कहा दो बॉल प्राइज़ में दो बॉल ही किए थे और uh, <clears throat> उस टाइम हमारे कोच थे सर साकीफ फ़कीर उन्होंने सेलेक्ट किया था यू नो वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान पहुंचा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फाइनल में एंड देन उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट योर इंजरी तो ऐसे फील होता है जिस तरह कि अभी एक अनफिनिश्ड बिज़नेस है पाकिस्तान की कि अभी वो एक जो ट्रॉफ़ी हमने घर लानी है वो रहती है और वो मौका पाकिस्तान को मिलेगा बिकॉज लेटर ऑन इन दिस ईयर वी हैव द ओ डी आई वर्ल्ड कप इन इंडिया तो क्या उसके लिए क्या आपकी प्लान्स हैं कुछ गोल सेट किए हुए हैं कि मैंने इंडिया में परफॉर्म करना है मैंने इस प्लेयर को आउट करना है हाउ हाउ यू गोइंग टू अप्रोच द वर्ल्ड कप देखिए जाहिर सी बात है हम अनलक्की रहे क्योंकि तीन उसमें पहुँचे सेमीफाइनल दो दफ़ा फ़ाइनल में एशिया कप के भी वर्ल्ड कप के भी बट ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल करीब है जीतने के तो इन वो टाइम दूर नहीं है ये एशिया कप ये वर्ल्ड कप तो ये हम अचीव कर सकते हैं इन जैसे तैयारी जा रही है एक तो ये कि हमने वनडे ज़्यादा खेले भी नहीं है टी ट्वेंटी के बाद सारे लड़के वनडे खेले जो कि आसान नहीं होगा आठ वनडेज है और फिर उसके बाद एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना है और कंडीशन पाकिस्तान और दुबई की तरह ही होगी ज़ाहिर सी बात है लेकिन अलहमदिल्ला अब लड़कों को पता है कैसे इस विकेट पर खेलना है और कैसी बॉलिंग करनी है तो उम्मीद है कि इन ये एशिया कप और वर्ल्ड कप हमारा होगा ठीक है कलंदस की एक तो पूरी कलंदस की टीम की हुई है आप लोगों <laughs> ने पूरा जो एक टोला है इकट्ठा है पूरा जमान खान भी हैं हारिस राउफ भी हैं आप भी हैं अब और भी प्लेयर्स आ गए और भी बॉलर्स आ गए हैं सानला आ गए दबली नसीम तो इनके साथ एज अ बोलिंग यूनिट आप पाकिस्तान की बोलिंग यूनिट को कैसा रेट करते हैं देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि फास्ट बॉलर काफ़ी अच्छे रहे हैं, पास में देख रहे हैं आमिर भाई हो गए मोहम्मद इरफान हो गए वहाब भाई हो गए आसिफ हो गए जितने पाकिस्तान के आप ओल्ड बॉलर्स देखे हसन है स्टिल बॉलिंग तो पाकिस्तान की तो बॉलिंग है ही अच्छी शुरू से और ये अभी जितने भी हैं माशा एक तो है पेस और आप पेस से आप कब किसी टाइम भी आप दूसरी टीम को आप मुश्किल में डाल सकते हैं तो एक अच्छी बात है कि सारे यंग हैं और चाहते हैं कि हम परफॉर्मेंस करें नहीं लेकिन आप अगर आप कंपेयर करें हमारे बोलिंग अटैक को टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो फिर क्या समझते हैं कहाँ पर है, है पाकिस्तान का बोलिंग अटैक देखिए आप जितने मैचेस खेलते उतने आपको सीखने को मिलता है आप एक चीज़ है कि आप इतनी जल्दी आप किसी को बेस्ट लेवल पर रेट नहीं कर सकते अगर आप ट्रेंड बॉल को अभी मेरे साथ करें तो मेरे तो अभी मैचेस भी, मैचे भी काफ़ी कम है ट्रेंड बॉल काफ़ी ऊपर है मिचल स्टाक काफ़ी ऊपर है तो आप इतनी जल्दी किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं बट हाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ें क्या उन्होंने क्या अचीव किया कितने है कितने टाइम में उनकी क्या अच्छी चीज़ें तो आई थिंक अगर वो आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलता है बिल्कुल नए लड़के हैं बॉलिंग अच्छे कर रहे हैं बट उम्मीद वो है कि जितना खेल लेंगे उतना उनको सीखने को मिलेगा अब टी ट्वेंटी फॉर्मेट से वनडे क्रिकेट में शिफ्ट करना है एज ऐज़ बॉलर उसकी क्या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है बिकॉज चार ओवर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा ओवर्स कराने हैं तो वहाँ पे गेम प्लान एज ए बॉलर चेंज होता है आपका या पेस का होता है कि मैं अपनी पेस यू you नो know, चार ओवरों में ऑब्वियसली आप एकदम से ज़्यादा जान भी मार सकते हैं बट आपके मुताबिक आपकी पर्सनल एडजस्टमेंट क्या होती है देखिए टी में ना टी में बहुत कम टाइम होता है सोचने का कि यार बस इस बॉल पे ये होगा इस बॉल पे एक तो बॉलर भी ज़्यादा सोचता है बैट्समैन भी सोचता है कि मैं ये करूँगा अगर वनडे क्रिकेट में आपको एक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी जैसे टेस्ट क्रिकेट होती है उसमें सारे फील्डर पीछे होते हैं अगर वो फील्डर टी ट्वेंटी में पीछे हुए तो रन बहुत होंगे लेकिन हर चीज़ के अलग अलग साइकिए लेकिन यह है कि लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से वेरिएशन आप उतनी नहीं कर सकते जैसे टी ट्वेंटी में करते हैं क्योंकि वनडे क्रिकेट में आपको एक ही लाइन और लेंथ में बॉलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है प्लान के हिसाब से अच्छा ये न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए आगे जाहिर सी है। बात देखिए आठ वनडेज है पाँच या फिर तीन अफगानिस्तान के साथ हैं तो ये बहुत ही जरूरी है हर मैच बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास वन डेज ये एशिया बड़े इवेंट्स से पहले जो अगर आप प्रैक्टिस के मैच अगर आप के लिए आपस में टीम तो इतने नहीं होते जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का वो होता है मैचेस uh, का होता है तो ये बहुत हेल्पफुल होंगे आई uh, थिंक uh, अगर हमने इसको अच्छे से खेलना है तो बिल्कुल हमारी तैयारी यही है कि हम एशिया कप और वर्ल्ड कप जीतें तो उसी को लेके चलेंगे चलें थैंक यू सो मच शाहीन फॉर योर टाइम नंबर वन एस बॉलर ऑफ़ पाकिस्तान क्रिकेट ऐट द मोमेंट एंड हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह परफॉर्म करें और इसी तरह जो है आ, पाकिस्तान का नाम और मज़ीद रोशन करें